व्हाट इज़ आरजीओ 24? क्या आरजीओ 24 मार्केट में रहेगा? ऐसे बहुत सारी कंपनी आए और गए, क्या आरजीओ उसी कंपनी की तरह भाग तो नहीं जाएंगे? क्या आरजीओ 24 इस इंडिया में रहेगा, मार्केट में रहेगा? क्या है इसका फ्यूचर प्लान? एड व्यू प्लान हम क्यों करें? क्या एड व्यू प्लान मार्केट में रहता है? एड व्यू प्लान तो कब का चले गए, और ऐसे बहुत सारे कंपनी आए और गए, ये हमें लूटने तो नहीं आए? ये हमारा समय बर्बाद करने तो नहीं आए? ये प्लान क्या फ्यूचर में रहेगा? क्या है इसका फ्यूचर प्लान? क्यों हम ये करें? एड व्यू इनकम वो कैसे देते हैं और क्यों देते हैं? इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है। आपके डाउनलाइन से ऐसे सवाल आते होंगे और हमारे डाउनलाइन में भी ऐसे सवाल आते रहते हैं, तो इस सवाल का डाउट आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे हम। और डायरेक्टली हम सुन लेंगे आरजीओ के फाउंडर एमडी राजेश शर्मा सर की ऑडियो से। तो हम एमडी राजेश शर्मा सर की ऑडियो को अभी सुनेंगे, क्या बोलते हैं इस आरजीओ 24 के बारे में, वो क्या है उसका फ्यूचर प्लान। तो हम ऑडियो को सुन लेते हैं। ऑडियो को सुनने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पास में बेल आइकन को क्लिक करके ऑन नोटिफिकेशन जरूर कर दे। तो चलिए सुनते हैं हम उस ऑडियो को। सर, बहुत सारे टीम से नीचे से सवाल आते हैं कि हमारा जो एडव्यू का प्लान है, इस एडव्यू के प्लान की क्या गारंटी है? यानी कि बहुत सारी कंपनियां सर आई एडव्यू के अंदर, बहुत सारे लोगों ने एडव्यू चलाया, बंद हो गया, तो हमारी क्या गारंटी है? कंपनी का क्या फ्यूचर प्लानिंग है? क्या कंपनी का विजन है? क्या कंपनी का मोटो क्या है? आखिर इस एडव्यू प्लान के पीछे आखिर कंपनी का मोटो क्या है? क्यों ये एडव्यू प्लान चला रहे हैं? कहाँ से इनकम दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं? मतलब बुला 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 करके। तो इस तरीके की बहुत सारी क्वेरीज जो होती हैं वो लोगों की होती हैं, बिल्कुल जेन्युइन है, और इस तरीके के बहुत सारे कॉल्स जो हैं वो मेरे पास भी आते हैं। तो इस तरीके के बिल्कुल सर सवाल रहते हैं, जेन्युइन सवाल है, और लोगों का कहना यहाँ तक भी होता है सर बात पैसे की नहीं है, बात समय की है, हम लोग अपना समय लगा रहे हैं, मेहनत करते हैं, तो कल को अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारा समय भी खराब होता है, हमारी मेहनत भी खराब होती है। पैसा भले ही यहाँ पे नहीं लग रहा है, वो बात एक अलग है। तो बिल्कुल सर, बहुत जेन्युइन ये क्वेश्चन है, और आप सभी लोगों के पास भी मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के बहुत सारी क्वेरीज आती होंगी, और आप सभी लीडर्स जो हैं इस प्रश्न का अपने अपने एंड से, अपने अपने तरीके से सभी लोगों को जवाब जरूर देते होंगे। देखिए, यहाँ पे मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो कंपनी है आरएसजीओ 24, ये हमारा ब्रांड नेम है, इट इज नॉट अ कंपनी। आरएसजीओ 24 कोई कंपनी नहीं है, ये एक ब्रांड नेम है। कंपनी का नाम है आरएसजी ट्रेड एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो जो हमारी कंपनी का जो विजन है, और मतलब जैसे कि लोग बोल रहे हैं सर एड व्यू प्लान, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो प्लान है वो एक्चुअली एड व्यू प्लान नहीं है। थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन सच्चाई है, हम लोगों का जो प्लान है वो एड व्यू प्लान नहीं है। जी हाँ, अब आप बोलेंगे सर एड व्यू तो करते हैं, तो एड व्यू अगर करते हैं तो एड व्यू प्लान कैसे नहीं हुआ? सर बिल्कुल हम एड व्यू करते हैं, टास्क करते हैं, टास्क करने से इनकम जनरेट होती है, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाह रहा हूं, वो ये कि हम लोग एड व्यू प्लान नहीं कर रहे हैं। मतलब एड व्यू प्लान का मतलब ये है कि हम एड व्यू प्लान के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हम आज क्या कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं इसको एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए अगर आप एक किसी कंपनी में एक इंप्लॉई हैं और आप वहां पे बैठ के कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, लेकिन आप एक अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ और करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अभी आप एक जॉब कर रहे हैं, तो क्या होता है? तो आपको क्या सारी जिंदगी एक एम्प्लॉई का तमका लगेगा क्या? नहीं ना। वो आप फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन आपका जो विजन है, जो आपका टारगेट है, वो जॉब करना नहीं है, आपका टारगेट कुछ और है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस चीज को करने के लिए आप लोग बैकएंड पे प्लानिंग कर रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि हम लोग एड व्यू का कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। एड व्यू सिर्फ एक माध्यम है, और इसके बैकएंड पे बहुत बड़ी प्लानिंग है। अब उस प्लानिंग के तहत बात करेंगे सर, तो क्या एड व्यू कल को बंद हो सकता है? तो क्या एड व्यू करने से पैसे नहीं आएंगे क्या? सर नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा।
बिल्कुल होगा, सब लोगों को पैसा भी मिलेगा जिस तरीके से, जिस प्लान के तहत, जिस तरीके से भी, चाहे वो सेल्फ अर्निंग हो 6 रुपए की, चाहे वो टीम में 7 लेवल की अर्निंग हो, वो बिल्कुल मिलेगा। लेकिन मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ एड व्यू के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हम लोग एड व्यू से हमने शुरुआत जरूर करी है, लेकिन एड व्यू के साथ साथ हम लोगों ने अपनी पूरी प्लानिंग की है, जिस प्लानिंग के तहत आने वाले समय के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ी कंपनी, एक बहुत बड़ा कारवां हम लोग बनाने जा रहे हैं। उस चीज के लिए मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक विश्वास बना हुआ है और हम सब लोग मिलके 100% उन सभी चीजों को अचीव करेंगे। पहली चीज, हमारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ एड व्यू प्लान के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी कंपनी एड व्यू प्लान कंपनी है। बहुत सारी कंपनियां जो आती हैं वो क्या होता है, क्यों चली जाती हैं, क्यों बंद हो जाती हैं, उसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एड व्यू प्लान कंपनी ही होती हैं, एड व्यू के ऊपर ही डिपेंड होती हैं, चाहे वो जेन्युइन हो चाहे वो अनजेन्युइन हो, और बहुत सारी कंपनियां तो अनजेन्युइन भी होती हैं। खैर, मैं नाम किसी कंपनी का नहीं लूंगा, सब कंपनियां अच्छी हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम लोग एड व्यू कंपनी नहीं है, या ये कह सकते हैं कि सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके बाद फ्यूचर प्लानिंग की या कंपनी का विजन, सर देखिए, आप लोग एज अ लीडर, और आप में से बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो मेरे साथ बहुत पुराने समय से भी जुड़े हुए हैं, और कोई 5 साल से, कोई 6 साल से, कोई 3 साल से, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से, सब लोग जानते भी हैं मुझे, और हम लोगों ने आपस में मिलकर काम किया है, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, कुछ चीजें प्रॉब्लम आई हैं, वो गई भी हैं, वो सब कुछ चलता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो प्लानिंग हम लोगों ने की है वो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि पूरी फ्यूचर प्लानिंग हम लोग लेके चल रहे हैं, इसी तरीके से जैसे कि हमने पहले दिन से ही आरएजी शॉप का 5% का डिडक्शन किया था सर, पहले दिन से, ऐसा नहीं है कि वो हमने आज किया है, वो पहले दिन से किया था अक्टूबर महीने से, जबकि अक्टूबर महीने में आरजी शॉप है क्या ये पता नहीं था लोगों को, ठीक है। तो उसके पीछे कुछ रीजंस है, तो जो रीजंस थे वो रीजन यही है कि हम लोगों ने पहले प्लानिंग की है, प्लानिंग करने के बाद हमने प्लान बनाया है, ठीक है। तो अभी जो हम फ्यूचर प्लानिंग की बात करें या एक कंपनी के मोटो की अगर हम बात करें, तो सिंपल से शब्दों में अगर मैं बोलूं तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, कंपनी का जो विजन है वो एक विजन है, और वो है क्या, पूरे हिंदुस्तान की आबादी को एक पोर्टल के ऊपर जोड़ना है, पूरे हिंदुस्तान की आबादी को एक पोर्टल के ऊपर जोड़ना है, जिसको बोलते हैं कस्टमर स्ट्रेंथ या ग्राहकों की यूनियन या एक आम आदमी की पावर, ये आप कुछ भी कह लीजिए, नाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब जब सब लोग एक जगह जुड़ते हैं तो क्या होता है, एक ताकत बनती है, और उसी ताकत का इस्तेमाल करके कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गलत काम हम लोग करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और ना कभी जीवन में करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। हम लोग सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग काम करेंगे, और देश की अर्थव्यवस्था तब सुधरती है जब देश के अंदर पैसा आता है। सर, पैसे का काम पैसे से होता है। अगर आप पिछले कुछ आंकड़ों को उठा करके देखें तो हमारे हिंदुस्तान से बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो बाहर से आती हैं, और बाहर से आके यहाँ पे बिजनेस करती हैं, और बिजनेस करके हिंदुस्तान के पैसे को लेके जाती हैं अपनी अदर कंट्रीज में। उससे क्या होता है, उससे देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर होती है, भारत का पैसा बाहर जा रहा है। अगर वही चीज अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि अगर हिंदुस्तान की ही कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर खड़ी हो जाएं और हिंदुस्तान में माल बन रहा है, हिंदुस्तान में बिक रहा है, हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में घूम रहा है, और बल्कि ये हो जाए कि पूरे बाकी की जो अदर कंट्रीज हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, हर कंट्रीज से पैसा आना शुरू हो जाए, कहां पे, हमारे भारत देश में, डॉलर्स में, यूरो में, पाउंड में, अलग अलग करेंसीज में, अगर बाहर से पैसा हमारे देश में आ रहा है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। और इसी के ऊपर हम लोग एक कोशिश, एक
काम जो है वो अपना कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग सेगमेंट हमने बनाए हैं, अलग अलग सेगमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। कुछ काम देश के लिए भी कर रहे हैं, कुछ लोग लोगों के लिए भी कर रहे हैं। इसके अंदर एक और प्लस पॉइंट जो है वो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो एक और है, वो ये है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो एक बेरोजगारी है जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के तहत अभी मैं सुबह मॉर्निंग में मैं एक न्यूज देख रहा था और उसके अंदर बताया जा रहा था कि आने वाले समय के अंदर कितने करोड़ों नौकरियां जाने वाली हैं लोगों की, क्योंकि अभी कोरोना से तो हो जाएगा हम बच जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम कोरोना से बाहर निकलेंगे तो सर आर्थिक मंदी के कारण बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल मतलब देश की अर्थव्यवस्था सर बिगड़ने वाली है। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो ये देश के अंदर बेरोजगारी है लोगों को रोजगार मिले, लोगों को रोजगार मिले। जो पैसा पहले सिर्फ कुछ चंद कंपनियां कमा रही थी, कुछ चंद कंपनियां, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 100 लोग होंगे जो अरबों खरबों पति हैं, सिर्फ 100 लोग, ठीक है, टॉप 100 आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा। लेकिन उनके पास जितनी संपत्ति है, जितना उनके पास पैसा है, जितना पैसा उन लोगों ने कमाया है, वही पैसा अगर हर इंसान को डिवाइडेड कर दिया जाए तो हर व्यक्ति के पास बराबर बराबर पैसा आ जाए तो हर व्यक्ति यहाँ पे कामयाब हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया चलनी बंद हो जाएगी, ये भी सच्चाई है। देखिए हमें दोनों पहलुओं को समझना है, दोनों पहलू ये हैं कि दुनिया का हर इंसान करोड़पति अरबपति नहीं बन पाएगा, ये सच्चाई है, ये तथ्य है, इसको आप पहले दिन से मान लो, नहीं होगा, हर व्यक्ति नहीं बन सकता। बनेगा वही जो मेहनत करेगा, जो ईमानदारी से काम करेगा, जो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा और जो अपने समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेगा। बहुत सारी दुनिया पीछे रह जाएगी, वो नहीं कमा पाएंगी, ये कुदरत का नियम है। लेकिन हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर अगर हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर हम 1 करोड़ लोगों को भी रोजगार दे पाए, 125 करोड़ की आबादी है सर, 125 करोड़ की आबादी है, लेकिन इस 125 करोड़ की आबादी में से अगर हम मान के चलिए कि 1 करोड़ लोगों को भी रोजगार दे पाए तो एक बहुत बड़ा टारगेट भी है और एक बहुत बड़ी बात भी है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हम लोगों का जो विजन है, सभी लोगों का, यहाँ पे कंपनी अकेले में कुछ नहीं कमा रही है, सब लोग मिलके कमा रहे हैं, यही कंपनी का मोटो है। और यहाँ से जो भी अर्निंग्स हो रही है, चाहे वो आरएसजी शॉप से हो, चाहे वो इंडिया नीट से हो, चाहे वो इंडी लव से हो, चाहे वो आरएसजीओ से हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट से हो, चाहे वो प्रोडक्ट की सेलिंग से हो, सारा का सारा पैसा सभी लीडर्स में, जो भी लीडर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और सब लोग अपने अपने काम के हिसाब से जब लोग कमाते हैं तो सब लोगों को रोजगार भी मिलता है, यही कंपनी का मोटो है और यही कंपनी चाहती है, यही कंपनी का टारगेट है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कोई भी किसी से ना तो कोई पैसा ले रहे हैं, ना कोई इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद दुकानदारों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद बाकी के वेंडर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी के एडवर्टाइजर को इकट्ठा कर रहे हैं, और वही चीजें जो है, जो पैसा कहीं और जा रहा था उसी पैसे को यहाँ पे बांटा जा रहा है, यही कंपनी का मोटो है। और इसी मोटो के ऊपर, इसी विजन के ऊपर कंपनी काम कर रही है, और यहां तक कि काम कर रही है कि सिर्फ इंडिया का पैसा इंडिया में नहीं, अदरवाइज फॉरेन कंट्रीज जो हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वहां पे भी हम लोग काम करेंगे और वहां पे भी हम लोग नेटवर्क बनाएंगे, वहां पे भी हम लोग बिजनेस करेंगे और वहां से भी हम पैसा जो है वो इंडिया के अंदर लेके आएंगे, अपने इंडिया, अपने भारत की जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसको हम मजबूत करेंगे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये सर सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक अपने आप में एक विजन है। तो फिलहाल थोड़ी सी ऑडियो लंबी हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है, जो भी काम हो रहा है वो इसी तहत हो रहा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो आपने ऑडियो सुन ली, तो अब भी अगर आपके डॉक्यूमेंट आरजीओ के डॉक्यूमेंट को लेकर हम ये वीडियो बनाए हैं, ये वीडियो जरूर चेक कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और आपके डाउनलाइन में ये वीडियो शेयर जरूर करना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।